सो हेलो गाइस, हाजिर हूं मैं आपके डिमांड के हिसाब से आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूं इन ब्रूटोन शूज की। भाई आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए ब्रूटोन शूज रिव्यू, ब्रूटोन शूज अनबॉक्सिंग, तो भाई हाजिर आपके सामने ब्रूटोन शूज की अनबॉक्सिंग भी आज करूंगा और रिव्यू करने वाला हूं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस टेबल के ऊपर रखे हुए दोनों के दोनों शूज, और ये स्क्रीनशॉट जिसको मैंने शूज परचेस किए हैं फ्लिपकार्ट से, तो आपको सारी डिटेल्स में मिलने वाली है। फिर उसका लुक्स है, किस तरीके डिजाइन है, कितने कम प्राइस में जूते आते हैं। जैसा कि आप लोग पता है ये कॉम्बो शूज है, हालांकि ये 600 रुपए के मैंने परचेस किए हैं। एक शूज का प्राइस है 300 रुपए। तो जितने ज्यादा सस्ते जूते हैं क्या उतनी सस्ती इनकी क्वालिटी देखने को मिलती है, या काफी ज्यादा हमें अच्छी चीज प्रोवाइड करती है ब्रूटोन वालों ने। और जैसा कि आपके डिमांड पे वीडियो है तो चलिए करते हैं शूज की अनबॉक्सिंग। सो अब की बार से कोई भी डब्बा वगैरह नहीं दिया गया, सिर्फ इसको ऐसा ही इस लिफाफे के अंदर पैक कर दिया गया है। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने कोस्ट कटिंग करी है और इस पैकेट को कट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से ऐसे ही फट जाएगा ये। तो बॉक्स पूरा खुल चुका है, निकालते हैं शूज़ को। तो सबसे पहले देखने को मिले हैं हमें ये ब्लैक वाले शूज, अभी सुखते हैं साइड में, और ये देखने को मिले हैं हमें ग्रे वाले शूज। एक और पन्नी के अंदर ये पैक है, तो दोनों पन्नी को खोल लेते हैं फिर दिखाता हूँ मैं अपने। तो ये रहे दोनों शूज, मैंने दोनों शूज को पैकेट से बाहर निकाल लिया है। तो ब्लैक वाला शूज कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। और ग्रे वाला शूज कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं इनके मटेरियल की। फर्स्ट हैंड फील बताऊं तो इसका जो सोल, जैसा कि मैंने पकड़ा हुआ है, सोल भाई इतना टाइट है, इतना टाइट है क्या बताऊं, पत्थर से भी ज़्यादा टाइट इसका सोल है। और वही बात करें इससे ग्रे वाले शूज़ की, इसका सोल जो है वो सॉफ्ट है मुकाबले इसके, इसमें तो एकदम पत्थर माफी है पर इसमें काफ़ी सॉफ्ट है। और हालांकि मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा था, वहाँ पर लिखा था पीवीसी मटेरियल, तो पीवीसी मटेरियल से इसका बना हुआ है ये सोल। और ऊपर का जो उसका अपर देख रहे हैं, ये अपर कुछ आपको इस तरीके पर देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपर है। और ऐसा नहीं है कि हल्का सा कपड़ा वाला है या ब्रीथेबल कपर बनाया गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। जिस हिसाब से इसका प्राइस है उसी हिसाब से इसका अपर भी बनाया गया है। और यहाँ पर इसकी डिजाइनिंग आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया ब्रूटोन और गोल्डन कलर का यहाँ पर डिजाइन लाइनिंग बनाई गई है, जो काफ़ी ज़्यादा चीप लग रही है। वाकई में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वाकई में काफ़ी ज़्यादा चीप है। हल्के हल्के से पेंट भी निकल रही है यहाँ से, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से हल्का हल्का पेंट निकल रहा है। तो दोनों ही आप लोगों को एकदम सेम देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ब्लैक डिजाइन में यहाँ पे गोल्डन कलर की पट्टी यहाँ पे पड़ी है, और ग्रे वाले शूज देखें तो इसमें ऑरेंज कलर की पट्टी पड़ी है। तो दोनों के दोनों शूज जो है वो सेम ही देखने को मिलते हैं, सिर्फ आपको कलर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ऊपर वाला है वो ग्रे कलर का, नीचे वाला है गोल्डन एंड ब्लैक कलर का। और उसके आप पीछे की साइड में देखेंगे तो पीछे की साइड में आपको यहाँ पे ब्रूटोन लिखा मिल जाएगा, इस वाले शूज में ब्रूटोन लिखा हुआ है। और ओवरऑल उसके लुक्स एंड डिजाइन देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की ब्रांडिंग, यहाँ पे ब्रूटोन की ब्रांडिंग आपको इस साइड में देखने को मिल जाती है, ग्रे वाले शूज में भी राइट साइड में देखने को मिल जाती है। और उस देखेंगे कुछ इस तरीके दोनों के दोनों शूज आपको देखने को मिलते हैं। और अपर भी दोनों का सेमी क्वालिटी का है, सेमी कलर का है, और उनका जो सोल है, जो मटेरियल ओवरऑल मटेरियल में यूज किया गया है वो दोनों में सेम है। आप लोगों ने इसके लुक्स और तो देख लिए, आप चलो इन शूज को पहन के भी देख लेते हैं। दोनों शूज मैंने यहाँ पर रख दिए हैं पहनने के लिए। तो सबसे पहले पहनने वाला हूँ मैं ये ब्लैक वाले शूज, फिर उसके बाद में पहनूंगा फिर ये ग्रे वाले शूज। तो चलिए, सो लुक एट दिस गाइस, मैंने इन शूज को पहन लिया है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कुछ शूज आपको इस तरीके से देखने को मिले होंगे। इसके बारे में बताऊं कैसे क्या की फिटिंग हो रही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 7 नंबर के मैंने जूते परचेस किए हैं, और ऑस्ट्रेलिया में 7 नंबर लगता भी है, तो इसी हिसाब से मैंने 7 नंबर के जूते परचेस किए हैं। पर अगर मैं फिटिंग के बताऊँ तो जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं मैंने इसके अंदर अभी मोजे नहीं डाले हुए हैं, तो इसलिए से हल्के से यानी कि -7 थोड़ा सा मुझे ढीला हो रहा है। उसके अंदर अगर मैं मोजे पहनूंगा उसके बाद ये जूते एकदम फिट हो जाएंगे, तो साइज में कोई भी इशू नहीं है। अगर आप लोगों को भी 7 नंबर परचेस करने हैं तो बेफिक्र होकर परचेस कर सकते हैं। तो कुछ आपको इस तरीके से ही जूते देखने को मिलेंगे, आप कंफर्ट का तो उम्मीद मत करिएगा, ऐसा कोई भी अब कंफर्ट में नहीं है, ना ही में कुशनिंग का कोई पैड दिया गया है, नॉर्मल से इसके अंदर पैड दिए गए हैं, अंदर का इनर सोल जो है काफी नॉर्मल सा है। तो चलिए अब मैं इन जूतों को उतार देता हूँ और अब पहनता हूँ ये ग्रे वाले शूज जो रखे हुए हैं। तो अभी मैंने इन शूज को पहना हुआ था, इसके बारे में सारी चीज़ आप लोगों को बता दी है, इसके लुक्स बारे में कैसे क्या दिख रहे थे। तो अब बारी आती है इन ग्रे वाले शूज को पहनने की। तो अब ये ग्रे वाले शूज मैं आप लोगों को पहन के दिखाने वाला हूँ किस तरीके से लगते हैं, किस तरीके से दिखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इन ग्रे वाले शूज को पहन के। सो लुक एट दिस गाइस, अब मैंने पहने हुए ये ग्रे वाले शूज, उससे पहले मैंने पहने हुए थे ब्लैक वाले शूज, तो इसको देख लीजिए आप किस तरीके से देखने को मिल रहे होंगे आप लोगों को शूज। अभी मैंने इसको पहना हुआ है
और दोनों ही शूज आपको क्लियरली विजुअल हो रहे होंगे, जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा किस तरीके से लुक निकल के आता है इन शूज़ का। और अभी मैंने पहना हुआ है इन शूज़ को अपनी पैंट के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये मैंने पैंट पहनी है, उसके नीचे मैंने शूज़ पहने हुए हैं। और एक्चुअली मैं अपनी राय दूँ जो मुझे जितने ब्लैक वाले शूज़ मैंने पहने थे इसी पैंट के नीचे पहने थे, सेम कपड़े थे, पर उससे काफ़ी अच्छा लुक मुझे इस वाले शूज़ का लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट है, काफ़ी हल्का कलर देखने को मिलता है, ऊपर से हल्का जो वाइट कलर है इसमें मिक्स किया गया उसकी तो बात ही अलग है। और वहीं हमने देखे थे वो ब्लैक वाले शूज़, तो वो ब्लैक वाले शूज़ इतने अच्छे देखने को नहीं मिले थे कंपेयर टू इनसे। और जैसा कि मैंने आपको बताया इसका सोल जो आप लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, इसका सोल जो है काफ़ी ज़्यादा मुलायम है, और कंपेयर करें तो इस वाले ब्लैक शूज़ से इसका सोल एकदम काफ़ी ज़्यादा टाइट है, ऐसा चलते हैं तो आवाज़ भी आती है कि खटपट की आवाज़ भी आती है, तो उतना अच्छा कंफर्ट हमें नहीं मिल पाता है इन शूज़ से। पर मैं इन शूज़ की बात करूँ तो इन शूज़ में उसके अंदर पैर डाला हुआ है तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है। और अभी मैंने जूते पहने हैं तो जूते के लिए मैंने यहाँ पे मोजे डाले हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और वो जब मैंने ब्लैक वाले शूज़ पहने थे उसमें मैंने मोजे नहीं डाले हुए थे, और मैंने मोजे इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा सा ढीला फील हो रहा था, हल्का सा ढीला था, पर मैंने चेक करने के लिए इसमें डाला है कि एक्चुअल में ये जो शूज़ मैं पहन रहा हूँ एक्चुअली पूरे परफेक्टली फिट होंगे नहीं। तो अभी मैंने जो ये मोजे डाले हुए थे उस हिसाब से ये जूते काफ़ी परफेक्टली फिट हो रहे हैं, कहीं से भी ढीले नहीं हैं। और ऊपर की साइड में देखेंगे तो उंगली मेरा अंगूठा यहाँ तक आ रहा है, एकदम पूरा तो पूरा फिटिंग का शूज़ है, एकदम 7 नंबर एकदम परफेक्टली है, तो साइज़ के मामले में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो भाई जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस हिसाब से शूज़ एकदम वैल्यू फॉर मनी है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। 300 रुपये में हमें इसी क्वालिटी के शूज़ हमें एक्सेप्ट कर रहा था और उस हिसाब से सही भी है। अगर आप लोग शूज़ परचेस करने हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ पर जाकर शूज़ को परचेस कर सकते हैं। और साथ ही में भाई को सपोर्ट भी करिएगा सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके।